जिंदगी में बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्ण यासमोटी। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ हैशटैग मंडे मोटिवेशन में। तो आज की कहानी दो लड़कों की है। एक का नाम है सिद्धार्थ, एक का नाम है वर्मा। दोनों अलग अलग गांव से शहर पर आए थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। दोनों इंस्टीट्यूट में मिले थे, दोस्त बन गए, एक रूम ले लिया था और रूम पे ही खाना पीना सोना चल रहा था उनका। हर रोज सुबह और शाम कोचिंग सेंटर से रूम तक, रूम से कोचिंग सेंटर तक पैदल जाते थे। बड़े ही संघर्ष के दिन जी रहे थे। अच्छे से पढ़ाई करने की वजह से दोनों को अलग अलग जिलों में सरकारी नौकरी मिल गई थी। 15 साल यूं ही बीत गए। 15 साल के बाद दोनों के दिमाग में कोइंसिडेंटली एक आइडिया आया था कि जॉब छोड़कर कुछ अलग करें। तो अभी सिद्धार्थ जो है वो एक स्टार्टअप कंपनी शुरू किया था। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप कंपनी भी बढ़ने लगा, एक अच्छा कंपनी बनने लगा। और वर्मा ने भी ये जॉब छोड़कर, उससे लगा था कि उसके लिए कॉर्पोरेट लाइफ बनी है, कॉर्पोरेट जिंदगी जीना है, तो इसलिए वो कॉर्पोरेट कंपनी में इंटरव्यूज देने लगा था। जब इंटरव्यूज दे रहा था, कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था, तो अचानक से एक दिन जब न्यूज़पेपर ओपन किया पढ़ने के लिए, तो उसमें देखा वैकेंसी थी एक कंपनी में। तो उसने सोचा कि कौन सा कंपनी है भाई, नीचे तो देखे। नीचे देखा तो उसका दोस्त का फोटो था वहां पर और नीचे लिखा था सिद्धार्थ द मैनेजिंग डायरेक्टर। वही कंपनी का नाम देखा तो सिद्धार्थ वर्मा कंपनी था। तो ये देखकर बहुत खुश हो गया था वर्मा। तो वर्मा ने सोचा कि चलो मेरे दोस्त के पास ही जाएंगे, उसी से वैकेंसी कुछ है तो मांग लेंगे जॉब वगैरह। अगले दिन सुबह हुई तो वर्मा सिद्धार्थ की कंपनी चला गया था, पर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक लिया था और कहने लगा कि नहीं साहब, आप नहीं मिल सकते क्योंकि हमारा साहब बहुत बिजी रहते हैं, आपसे मिल नहीं पाएंगे, ये वो बहुत कुछ कह रहा था। तो इतने में वहाँ पर सिद्धार्थ का गाड़ी आकर रुकी थी। तो सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर निकला और कहा कि अरे दोस्त, तू यहाँ पर बहुत दिन हो गया यार, देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगा, तुम्हें देखकर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वर्मा ने कहा कि यार मैंने भी तुम्हारे जैसे जॉब छोड़ दिया था कुछ करने के लिए, अभी मैं वही सभी वैकेंसीज के लिए देख रहा हूँ, अगर तुम्हारे कंपनी में कुछ जॉब मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि अरे क्या बात कर रहा है यार, कंपनी के नाम में ही तुम्हारा नाम है यार, तू ये सब क्या बात कर रहा है, तू बस कल से आ जाए, तू बस तुम्हें जो प्रोफाइल में काम करना है तू काम कर ले। तो अगले दिन सुबह हुई थी, कंपनी में आ गया था वर्मा भी, दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे। बड़े अच्छे, मतलब पुराने दोस्त के जो दिन थे वो दिन वापस आ गए थे। दोनों के बीच में बहुत मतलब अच्छा टाइम चल रहा था। तो एक दिन शाम में जब बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो वर्मा ने कहा कि दोस्त मैं एक बात पूछना, तू बुरा तो नहीं मानेगा ना? तो सिद्धार्थ ने कहा अरे क्या बात कर रहा है यार, तो पूछ जो पूछना है पूछ। तो वर्मा ने कहा कि देख यार, हम दोनों के टैलेंट सेम है, सेम टाइम हम लोगों ने कोचिंग भी लिया, सेम जॉब भी मिला था हम दोनों को, पर आज तुम्हारे पास कंपनी है और आज मैं तुम्हारे कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, इतना फर्क क्यों? तो अभी सिद्धार्थ ने जो कहा आप ध्यान से सुनिए। वर्मा, तुम्हें याद है हम दोनों एक रूम पे रहते थे, संघर्ष के दिन जीते थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते थे, क्या तुम्हें याद है वो दिन? तो वर्मा ने कहा अरे क्या बात कर रहे यार, वो तो गोल्डन डेज है यार, हम लोग बहुत मेहनत करते थे, एक रूम में रहते थे, खाना खाते थे, मिलके जाते थे, मिलके पढ़ते थे, बहुत ही मज़ेदार दिन थे यार वो तो, बहुत मतलब भूल नहीं सकते उन लोगों को, तो बहुत अच्छे दिन थे यार जिंदगी में वो तो। तो सिद्धार्थ ने कहा था दोस्त तुम्हें याद है एक दिन हम लोग दोनों पैदल जा रहे थे कोचिंग सेंटर और बीच रास्ते में मैंने तुमसे कहा था कि अरे यार हम लोग रूम में फ़ैन ऑफ करना भूल गए। तो तुमने कहा था कि अरे जल रहा है तो जलने देना, मकान मालिक का पंखा है, वही भरेगा पैसा। तो तब तुम कोचिंग सेंटर चले गए थे और मैं वापस गया था रूम पे, फैन ऑफ करके वापस आया था इंस्टीट्यूट पे। उस दिन भी तुम एक नौकर की तरह सोच रहे थे, उस दिन भी मैं एक मालिक की तरह सोच रहा था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से दो बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, फर्क सारा सोच का है, जो आप सोचेंगे वही फर्क आपकी जिंदगी में दिखेगा। क्योंकि आप मालिक बनना चाहते हैं तो एक मालिक की तरह सोचिए, बड़ा आदमी बनना है तो एक बड़ा आदमी की तरह सोचिए, थिंक बिग। दूसरी बात, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। जैसे इस कहानी में सिद्धार्थ के पास कंपनी था, फिर भी उसने खुद का नाम नहीं लगाया था, उसके दोस्त का भी नाम लगाया था जब दोस्त की जरूरत थी और दोस्त को उसने मदद किया था। ठीक उसी तरह अच्छा आदमी बनना बहुत ही अच्छी बात है। जिंदगी में हम लोग कितने भी अच्छे पोजिशन में रहे, कितना बड़ा भी बन जाए, पर अच्छा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो इसीलिए हो सके तो आप आपके चाहने वालों को, आपसे प्यार करने वालों को, आपके दोस्तों को मदद करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव तो लाएगी। और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।